स्टेशन से पहले ही इसरो करने वाला है बड़ा धमाका। पीएसएलवी एक्सेल के जरिए भेजेगा स्पेस में एआई लेबोरेटरी। टेक्निकल स्पेस ने इन स्पेस की मदद से तैयार किया तगड़ा मिशन। चंद्रयान 4 के प्रज्ञान रोवर पर भी आ गया सबसे बड़ा अपडेट। दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष में भारत का अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला है। इस स्पेस स्टेशन के जरिए भारत स्पेस में बहुत बड़ी ताकत बनेगा। भारत कई तरह के डाटा का एनालिसिस करके ऐसी क्षमताएं हासिल करेगा जो अब तक केवल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास हैं। भारत अंतरिक्ष की पेचीदा चीजों के बारे में डेटा इकट्ठा करके अपने बड़े अंतरिक्ष मिशंस को अंजाम देना चाहता है। भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है। इसके पहले मिशन गगनयान को लॉन्च किया जाएगा, जिससे अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए जरूरी तकनीकियों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। भारत इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करे इससे पहले ही वो एक ऐसी प्रयोगशाला अंतरिक्ष में स्थापित करने जा रहा है, जिसके जरिए वो अंतरिक्ष की तमाम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेगा। वायुमंडल में बादलों या दूसरी रुकावटों से डाटा की एक्यूरेसी में पैदा होने वाली रुकावटें खत्म हो जाएंगी और एक्यूरेट डाटा के जरिए भारत के विकास की रफ्तार दुनिया में भयंकर हो जाएगी। वहीं भारत के चंद्रयान 4 पर भी तेजी से काम हो रहा है। इसका प्रज्ञान रोवर बेहद खास तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो इन दोनों मिशन से जुड़ी स्पेशल और बारीक चीजें समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। स्पेस में मौजूद भारत की लैबोरेटरी दूर करेगी क्लाउड कवर की दिक्कत। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन और वनों की कटाई की हो सकेगी ट्रैकिंग। इस वीडियो में सबसे पहले हम इसरो की स्पेस एआई लैबोरेटरी के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपको मिशन चंद्रयान 4 के प्रज्ञान रोवर के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। दरअसल जब भी अंतरिक्ष से कई डाटा जमीन पर आता है तो आसमान में बादल जैसी चीजों की वजह के डाटा की एक्यूरेसी प्रभावित होती है। लेकिन अब इसरो इस बारे में कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ये दिक्कतें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और भारत को पूरी तरह से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसरो इसके लिए अंतरिक्ष में एआई लेबोरेटरी स्थापित कर रहा है, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स से कम्युनिकेशन कर सकेगा और डाटा को अंतरिक्ष में ही प्रोसेस कर सकेगा। इससे डाटा को धरती पर प्रोसेस करने में होने वाली देरी को खत्म किया जा सकेगा और तेजी से मिलने वाली इंफॉर्मेशन भारत के विकास की रफ्तार को कई गुना तक बढ़ा देगी। इसरो की शाखा इन स्पेस ने इसे निजी कंपनी टेक मीटू स्पेस के साथ मिलकर तैयार किया है। इस लैबोरेटरी को 4 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इससे रियल टाइम डेटा भारत को हासिल होगा और अंतरिक्ष अनुसंधान में क्रांति लाई जा सकेगी। अभी तक क्लाउड कवर जैसी दिक्कतों की वजह से 40% तक डेटा बर्बाद हो जाता था। अब इस तकनीक के जरिए इस दिक्कत को खत्म किया जाएगा। इस लेबोरेटरी का नाम MOITD मतलब माई ऑन ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इससे भारत को पर्यावरण की निगरानी करने, ग्लोबल वार्मिंग का सही पता लगाने, कार्बन उत्सर्जन से लेकर वनों की कटाई के बारे में डाटा कलेक्ट करने में मदद मिलेगी और सरकारें इस पर कदम उठाकर इसे कंट्रोल कर सकेंगी। घने जंगलों में इसका आसानी से पता लगाया जा सकेगा, क्योंकि वनों के अंदर चोरी से भारी पैमाने पर कटाई की जाती है। सही डाटा न मिलने की वजह से इसे आसानी से छुपाया जा सकता है, लेकिन जब सैटेलाइट के जरिए सही डाटा मौजूद होगा तब सरकारों को इस पर जवाब देना पड़ेगा और कोई धांधली नहीं चलेगी। इस तरह के टेक्नोलॉजी के जरिए पर्यावरण की भी सुरक्षा की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेस में ये जबरदस्त इस्तेमाल होगा। इससे ये पता चलता है कि इसरो किस तरह से एडवांस तकनीकियों का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में भारत की ताकत को बढ़ा रहा है। भारत जल्द ही गगनयान और स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने वाला है। इसके लिए तमाम तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन भारत उससे पहले ही इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। भारत का निजी क्षेत्र भी अब स्पेस में भारत को मजबूती दिलाने का काम कर रहा है। पहले अकेले इसरो भारत की स्पेस ताकत थी, लेकिन अब सैकड़ों निजी कंपनियां भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए मैदान में हैं। MOITD के लिए पहले से ही शेयर होल्डर्स तैयार हैं, जो अंतरिक्ष में शोध के लिए इसकी मदद लेना चाहते हैं। इसमें एक मलेशियाई यूनिवर्सिटी और भारत के स्कूलों का ग्रुप शामिल है। इस मिशन को PSLV XL रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का पहला लॉन्चिंग व्हीकल है। वहीं भारत का चंद्रयान 4 भी तैयार किया जा रहा है। चंद्रयान 4 का वजन मिशन चंद्रयान 3 से होगा कई गुना ज्यादा। चांद से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर आएगा धरती पर वापस। दोस्तों, चंद्रयान 3 की बेहतरीन कामयाबी के बाद भारत का मिशन चंद्रयान 4 तेजी से तैयार किया जा रहा है। इसमें एडवांस तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिशन
बेहद खास होने वाला है। दरअसल ये चांद पर मानव मिशन की दिशा में भारत का एक मजबूत कदम है। चंद्रयान 4 को भारत जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। इस मिशन में उन तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे चांद पर ड्रिलिंग की जा सके और चट्टानों और मिट्टी के नमूने निकाले जा सके। इस वजह से इसका वजन पिछले मिशन से काफी ज्यादा हो गया है। चंद्रयान 4 के रोवर का वजन 350 किलो तक हो सकता है, जबकि चंद्रयान 3 के रोवर का वजन 30 किलो था। इस तरह से ये पिछले मिशन के मुकाबले 12 गुना ज्यादा वजनी होगा। पिछला रोवर 500 गुना 500 का एरिया कवर करता था, लेकिन ये रोवर 1 गुना 1 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। इस मिशन को 2030 तक शुरू किया जाएगा। चांद पर भारत का मिशन बेहद तगड़ा है। चांद पर कई तरह के खजाने और कीमती धातुएं हैं। भारत इनका खनन करना चाहता है। इससे भारत की इकोनॉमी में तगड़ा इजाफा होगा। भारत इस तकनीक में तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में हालत बदलने वाले हैं। तब अंतरिक्ष में भी ताकतवर देशों का कब्जा हो सकता है। चीन चांद पर कब्जा करने की तैयारी में है। इससे पहले कि चीन चांद से खजाने को निकाले, भारत इसे हासिल करना चाहता है। इस मिशन को लिए इंसानों को चांद पर भेजने की जरूरत होगी, और भारत मानव मिशन पर काम कर रहा है। 2040 तक पहला भारतीय चांद पर पहुंच सकता है। इसके बाद भारत की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। भारत इसके लिए चांद पर अपना स्पेस स्टेशन भी तैनात करेगा, जिससे चांद के बारे में बारीक अध्ययन किया जा सके, क्योंकि चांद मंगल के लिए एक बेस के तौर पर काम करता है। भारत मंगल में तगड़ा मिशन करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि भारत चांद पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए। इस तरह से चंद्रमा भारत के इसरो के लिए बेहद खास और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो चुका है। इसके लिए भारत ने मिशन की पूरी सीरीज तैयार कर ली है, और एक दिन भारत अपनी स्पेस तकनीकी के मामले में दुनिया में बहुत आगे जाने वाला है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ही ऐलान किया था कि इसरो को अब बड़े अंतरिक्ष मिशन की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। चांद पर भारतीय को पहुंचाने के अलावा अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन करने चाहिए, और उन्होंने इसरो को इसके लिए तगड़ा बजट भी दिया है, और इसरो के साइंटिस्ट इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने ही निजी क्षेत्र के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले थे, और आज सैकड़ों स्पेस कंपनियां भारत को मजबूती दे रही हैं। दुनिया के स्पेस बाजार पर कब्जा करने के लिए भारत अपना इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। इसरो ने दमदार रॉकेट पहले ही तैयार किए हैं। अब स्पेसएक्स के फाल्कन 9 जैसी क्षमताओं वाले रॉकेट पर काम किया जा रहा है, जिससे आसानी से मंगल तक की यात्रा की जा सके। इसरो इसके लिए NGLV रॉकेट तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदमों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।